आफत प्रबंधन प्रश्न उत्तर क्लास 8वीं अभ्यास के प्रश्न उत्तर हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में दिओ। प्रश्न पहला, आफत किसनों कहा जाता है? उत्तर, खतरे जदों घातक घटनावां का रूप धारण कर लेंदे हन तां उन्हां नूं आफतां कहा जाता है। प्रश्न दूजा, कुदरती आफतां मुख तौर ते कीड़ियां कीड़ियां हन? उत्तर, भूचाल, ज्वालामुखी, सुनामी, हड़, चक्रवात, भूमि का खिसकना, बर्फ के तौद्यां का खिसकना, सोका। प्रश्न तीजा, आफत प्रबंधन विषय विच की शामिल है? उत्तर, आफत प्रबंधन विषय विच आफतां दे नाल जूझण लई आफत आउण तों पहलां दी तैयारी, आफत समय बचाव अते आफत तों बाद समाज नूं मुड़ पैरां ते खड़े करन लई प्रबंध करना शामिल है। प्रश्न चौथा, भूचाल तों तुहाडा की भाव है? इस नूं किवें मापिया जांदा है? उत्तर, धरती दे हिलण नूं भूचाल कहिंदे हन, इस नूं रिक्टर पैमाने अते मरकाली पैमाने ते मापिया जांदा है। प्रश्न पंजवां, ज्वालामुखी किसनों आखते हैं? इस दिया किस्मां दे नाम लिखो। उत्तर, लावा दी धरती ते आउण दी क्रिया नूं ज्वालामुखी आखते हैं। ज्वालामुखी दीआं किस्मां, ज्वालामुखी मुख तौर ते तीन किस्मां दे हुंदे हन। पहला क्रियाशील ज्वालामुखी, दूजा सुते हुए ज्वालामुखी, तीजा बुझे हुए ज्वालामुखी। प्रश्न छेवां, सुनामी किवें पैदा हुंदी है? उत्तर, सुनामी इस तरह की समुद्री लहर है जिहड़ी कि भूचाल ज्वालामुखी धरती का खिसकना आदि तो पैदा होंदी है। समुद्र का धरातल हिलन करके पानी दिया उच्चियां सुनामी लहरां पैदा हो जांदियां हन। प्रश्न सत्तवां, हड़ां दे आउण दे मुख कारण किहड़े किहड़े हन? उत्तर, ज़्यादा वर्खा, तेज चक्रवातां दा आउणा, बदलां दा फटना, पानी के निकास का प्रबंध ठीक ना होना, नदियां अते दरियावां दे तल ते मिट्टी का जमा, बन्ना दा टुट जाना, नदियां अते दरियावां दी मार हेठ आउंदे इलाकियां विच रिहायशी इमारतां दा निर्माण करना। प्रश्न अठवां, चक्रवात की हुंदा है? इसनूं होर किहड़े नावां नाल जाणिया जांदा है? उत्तर, चक्रवात तेज़ हवावां हुंदियां हन जिन्हां दी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा जां इस तों वध हुंदी है। चक्रवात नूं उत्तरी अमरीका विच हरीकेन, दक्षण पूर्वी एशिया विच टाइटून, भारत विच झक्खड़ तूफान जां वावरोला दे नावां नाल जाणिया जांदा है। प्रश्न नौवां, भूमि खिसकण दे किहड़े कारण हो सकदे हन? उत्तर, धरती दी अंदरली हिलजुल, तेज़ बारिश दा होना, ज्वालामुखी किरिया, भूचाल, खाना दा फुटना, जंगलां नूं कट्टण दे नाल भूमि दा नंगा हो जाना। प्रश्न दसवां, भूमि आफता किसनूं कहिंदे हन? उत्तर, आफतां जो सिद्धे जां असिद्धे तौर ते मनुख द्वारा पैदा कीतियां जांदियां हन उन्हां नूं मनुखी आफता कहिंदे हन। प्रश्न ग्यारवां, महामारी तो तुहाडा की भाव है? उत्तर, जद एक बीमारी फैल के बहुत वड्डे पद्धर ते लोकां नूं प्रभावित करदी है तां इस नूं महामारी कहा जांदा है। हेठ लिखे प्रश्नां दे उत्तर 50 से 60 शब्दां विच लिखो। प्रश्न पहला, आफतां मनुख नूं किस तरह प्रभावित करदियां हन? उत्तर, आफतां मनुख दे जीवन नूं बहुत हद तक प्रभावित करदियां हन। भूचाल अते ज्वालामुखी वर्गियां आफतां बहुत थोड़े समय लई आउंदियां हन लेकिन बहुत वड्डी तबाही मचा जांदियां हन। थोड़ा समा पहलां आईआं सुनामी लहरां ने लखां लोकां दी जान लै ली सी। हड़ अते चक्रवात वर्गियां कुदरती मुसीबतां वी जान अते माल दा नुकसान कर जांदियां हन। लोक घरों बेघर हो जांदे हन। भोपाल गैस लीक दा दुखांत लोकां नूं हले तक भी नहीं भुल्लिया। अमरीका विच होए बंब धमाकियां ने वड्डे वड्डे देशां नूं भी चिंता विच पा दिता है। प्रश्न दूजा, भूचाल आउण दे कारण अते संसार दे मुख भूचाल खेतरां दा वर्णन करो। उत्तर, भूचाल आउण दे कारण, भूचाल धरती दीआं अंदरलीआं हिलजुलां करके आउंदे हन। धरती दीआं टैक्टोनिक प्लेटां दे खिसकण नाल भी भूचाल आउंदे हन। संसार दे मुख भूचाल खेतर, संसार दे 2/3 हिस्सा भूचाल शांत महासागर दे ज्वाला चक्कर विच आउंदे हन। संसार दे मुख पर्वती खेतर जिवें हिमालया अते आल्पस भी भूचाल शांत इलाके मन्ने जांदे हन। कश्मीर अते पश्चिमी हिमालया, मध्य हिमालया, उत्तर पूर्वी भारत,
सिंध गंगा दे मैदान, राजस्थान अते गुजरात दा इलाका, लक्षद्वीप, अंडेमान अते निकोबार द्वीप समूह आदि भारत दे भूचाल ग्रसित इलाके हन। प्रश्न तीसरा, भूचाल आफत प्रबंधन विच सानू केड़ियां केड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना चाहिदा है? उत्तर, भूचाल आफत प्रबंधन विच सानू हेठ लिखिया गल्लां दा ध्यान रखना चाहिदा है। भूचाल ते इलाकियां विच इमारतां दे नक्शे अते बनावट इस तरह दी होनी चाहिदी है कि भूचाल आउण ते इन्हां नूं कोई नुकसान ना पहुँचे। घरां अते इमारतां दा बीमा भी जरूरी होना चाहिदा है। भूचाल आउण दे डर जां दहशत दा माहौल नहीं बनन देना चाहिदा, सगों शांत रह के दिमाग तों काम लैणा चाहिदा है। अगर भूचाल आउण समें अंदर बैठे होवो तां बाहर नूं भज्जण दी बजाए किसी सख्त चीज़ जिवें मंजे, मेज़ जां दरवाजे दे पिछे हो जाना चाहीदा है। जेकर भूचाल समें बाहर होवो तां खुली जगह विच चले जाना चाहीदा है। इमारतां, दरख्तां, बिजली दीआं तारां अते खंभिआं आदि नेड़े नहीं खड़ना चाहीदा, क्योंकि इन्हां दे डिग्गण दा खतरा हुंदा है। सानू सारयां नूं मिल के भूचाल तों प्रभावित लोकां दी मदद करनी चाहीदी है। उन्हां नूं लोड़ींदी मैडिकल अते होर रहन दे आदि सहूलत मुहैया करवाउणी चाहीदी है। मरे होए अते जख्मी लोकां नूं मलबे हेठों कढ़न दा काम भी तेजी नाल होना चाहीदा है। जख्मी अते इलाज वास्ते हस्पतालां जां इस मकसद लई बने कैंपां विच फटाफट ले जाना चाहीदा है, तां जो समें सिर मैडिकल सहूलतां दे के उन्हां नूं बचाया जा सके। भूचाल नाल प्रभावित आवाजाई, सूचना अते संचार दे साधनां नूं दोबारा छेती चालू कीता जाना चाहीदा है। बेघर होए लोकां नूं घर अते होर अनेकां तरहां दीआं लोड़ींदीआं सहूलतां प्रदान करना सरकार दा मुख फर्ज़ बन जांदा है। प्रश्न चौथा, ज्वालामुखी अते सुनामी तों बचाव वास्ते की प्रबंध करने चाहीदे हन? उत्तर, ज्वालामुखी तों बचाव वास्ते प्रबंध। ज्वालामुखी विस्फोट वाले स्थान दे नेड़े घर जां होर इमारतां नहीं बनाउणियां चाहीदियां। ज्वालामुखी फटन तों कुछ देर पहला कुछ निशानियां देखण ते ही इस स्थान तों बहुत दूर तक चले जाना चाहीदा है। इत्थों दूर जाण वास्ते तेज़ गति वाले साधन इस्तेमाल करने चाहीदे हन। किसी भी तरह के नुकसान की हालत विच सरकार नूं लोड़ींदे मैडिकल जां होर किसी किस्म की मदद लई तैयार रहना चाहीदा है। सुनामी तों बचाव वास्ते प्रबंध। जदों भी सुनामी बारे सूचना मिले समुद्र वल नूं नहीं जाना चाहीदा। समुद्र विच चल रहे समुद्री जहाज़ अते बेड़ियां नूं वापस बंदरगाह ते आ जाना चाहीदा है। मछेरियां नूं भी चाहीदा है कि जद तक ये लहरां शांत ना हो जाण तद तक समुद्र विच ना जाया जावे। सुनामी पैदा होने वाले स्थान ते नेड़े तेड़े धरती ते वसदे लोकां नूं अजिही मुसीबत दा सामना करन लई तैयार रहना चाहीदा है। जेकर इह लहरां बहुत तेजी नाल समुंदर तट वल आ रहियां होण तां तटी इलाकियां विच रहिंदे लोकां नूं ओह जगह छड्ड के दूर किते होर सुरक्षित जगह ते चले जाना चाहीदा है। सरकार नूं अजिही आफत नाल निपटण लई हर तरह दे प्रबंध मुकम्मल करने चाहीदे हन। मुसीबत विच फसे लोकां दी सानू सारयां नूं मिल के मदद करनी चाहीदी है। प्रश्न पंजवां, सोके तों बचण लई कहड़े कहड़े कदम उठाए जा सकदे हन? उत्तर, सोके तों बचण लई हेठ लिखे कदम उठाए जा सकदे हन। सोके तों बचण लई पानी दी जरूरत पैंदी है। जेकर असीं पानी नूं शुरू तों ही बड़ी सांभ संभाल नाल वरतांगे तां पानी दी कमी नहीं होवेगी। कहण दा भाव इह है कि पानी नूं अजाई ना जाण दित्ता जावे। सोका ग्रसत इलाके विच दरख्त ज़्यादा लगा के भविख विच नमी विच वाधा कीता जा सकता है। दरख्त बारिश लियाउण विच भी काफ़ी मददगार हुंदे हन। सोका ग्रस्त इलाके विच घट पानी दी खपत वालियां फसलां जिवें कि मक्की, बाजरा अते दालां आदि ही बीजियां जाण। सरकार नूं चाहीदा है कि सोका ते इलाकियां नूं आस पास दे ज़्यादा पानी वाले इलाकियां तों स्पैशल पाइपलाइनां बनवा के पानी दी लोड़ींदी सप्लाई कीती जावे, तां जो पशुआं अते मनुखां नूं जीवन नूं बचाया जा सके। सोका ग्रसत इलाकियां विच वर्खा दे पानी नूं तलाबां जां डैमां विच स्टोर करके मुसीबत दे समें वास्ते रखिया जा सकदा है। सोका सत्त इलाके दे लोकां नूं मुसीबत तों बाहर कढ़न लई सरकार नूं हर एक संभव जतन करने चाहीदे हन। जो सत्त इलाके विच खेती नूं छड्ड के होर आर्थिक धंधियां नूं विकसित करना चाहीदा है, तां जो पानी दी कमी वर्गी मुसीबत तों बचिया जा सके। प्रश्न छेवां, कहड़े कहड़े उपाय सानूं महामारी वर्गी आफत तों बचा सकदे हन?
ਉੱਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵਰਗੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।